सो गाइस, मैं हूं खुर्शीद। आप देख रहे हैं ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बताने वाला हूं एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, आप फॉर्म भर सकते हैं, परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, एग्जाम के कितनी स्टेज होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। हर साल आईएएस परीक्षा में लगभग 5-6 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, जिसमें से केवल 1000 लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फरवरी महीने में सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन प्रकाशित करता है, जिसमें से आईएएस की साथ लगभग 24 सेंट्रल सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है। आइए आप जानते हैं कौन कौन कैंडिडेट को फॉर्म भरने पर प्रतिबंध होता है। जो कैंडिडेट लास्ट ईयर किसी भी एग्जाम में आईएएस और आईपीएस सर्विस में सिलेक्ट हो चुके हैं, वो कैंडिडेट दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए सेंटर भी चूज करना होता है। ये एग्जाम देश के 72 सिटी का विभिन्न केंद्र पर एक साथ आयोजित किए जाती है। फॉर्म भरने के लिए 1 महीना समय मिलता है, जिसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। कैंडिडेट को सिविल सर्विस मेंस एग्जाम का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी फॉर्म भरने समय बताना होता है। नोटिफिकेशन में 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट की सूची में किसी भी एक का चूज करना होता है। फॉर्म भरते समय आपका एग्जाम देने वाले मीडियम भी बताना होता है। फॉर्म भरते समय आपको फेवरेट सर्विस का क्रम अनुसार बताना होता है। साथ ही साथ आपको पसंद के राज्य की सूची क्रम अनुसार बताना होगा कि आप कहां पर कौन सी राज्य में काम करना पसंद करेंगे। यूपीएससी आईएएस क्लियर करने के बाद अलग अलग कैडर में भेजा जाता है। आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। आईएएस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, बाकी सभी सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज में आती है। पिछले कुछ सालों से लगभग 1000 सीटें विज्ञापित करी जाती है और अंतिम मेरिट के अनुसार सारी क्वालिफाई कैंडिडेट को उनको क्रम अनुसार सर्विस प्रदान करी जाती है। आइए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इस एग्जाम के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। फाइनल ईयर यानी फाइनल सेमेस्टर की स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस एग्जाम की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होता है कि इसकी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ कोई भी सब्जेक्ट अनिवार्य नहीं होती है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के ग्रेजुएट इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। हम बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का भारतीय नागरिक के साथ साथ टाइबेट के रिफ्यूजीज, भूटान और नेपाल के लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आईएएस और आईपीएस बनने के लिए कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ वो भारतीय लोग जो दुनिया के विभिन्न कोनों में रहे हैं, वो लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आइए आप जानते हैं एज लिमिट अर्थात आयु सीमा के बारे में। इस परीक्षा के लिए कैंडिडेट का मिनिमम 21 साल होना अनिवार्य है। अलग अलग कैटेगरी कैंडिडेट के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित करी गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए 32 साल, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35 साल और एससी एसटी के लिए 37 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है। फिजिकल डिजेबल कैंडिडेट के लिए तो और भी ज्यादा आयु सीमा की निर्धारित करी गई है। आयु की काउंट विज्ञापित वर्ष 1 अगस्त से किए जाती है। आइए आप जानते हैं आईएएस के लिए कितनी अटेम्प्ट मिलते हैं। इस एग्जाम में हर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर्म भरने को अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए किसी भी एक पेपर में सम्मिलित होने के अटेम्प्ट मान लिया जाता है। इस परीक्षा का सिलेबस और कट ऑफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए है, आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किए जाते हैं। ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को संख्या कम करने के लिए होता है। इसके लिए क्वालिफाई मार्क्स जरूरी है। मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू इस दोनों में टोटल प्राप्त मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है। इस इंटरव्यू में काफी मुश्किल और काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएएस इंटरव्यू के लिए जितनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर आपके माइंड की कैपेसिटी को जांचने के लिए होते हैं, जिसमें ये जांचा जाता है कि आप कितनी डीप में जा कर के सोच सकते हैं और अपने फैसला लेने की कितनी सलाहियत होती है। इस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपकी डेप्थ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसको पूरी सच्चाई से भरें। आईएएस इंटरव्यू में कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक किए जाते हैं।
यहाँ कैंडिडेट की पर्सनैलिटी का सब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है। सिविल सर्विस इंटरव्यू लगभग 20 दिन तक चलते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू और मेन एग्जाम की मार्क्स मिलकर बनती है, जिसके आधार पे सर्विस प्रदान की जाती है। लगभग 100 रैंक तक कैंडिडेट को IAS सर्विस मिल जाती है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उन्हें ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।